लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। पत्नी नहीं प्रेमी व उसके साथी संग रचा था पति की हत्या का षड्यंत्र। जी हां, थाना रामगढ़ पुलिस की सफलता, 15 फरवरी को मिला था शव। एसपी सिटी ने वार्ता के दौरान मीडिया को दी विस्तृत जानकारी। फिरोजाबाद एसपी सिटी प्रवर प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय पर आयोजित वार्ता के दौरान बताया कि 15 फरवरी 2020 को थाना रामगढ़ क्षेत्र धर्मकांटे के सामने लालपुर पुलिया नाले के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी बाद में शिनाख्त दिल्ली निवासी कपिल के रूप में हुई थी, जिसका पत्नी से विवाद चल रहा था। दिल्ली से जुडिशियल कोर्ट में तारीख पर आया था, तभी से गुमशुदा था। परिजनों की तहरीर पर एसएसपी सचिंद्र पटेल के निर्देशन पर उनके व सीओ सिटी अरुण कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रामगढ़ श्याम सिंह ने हमराहियों के साथ मुखबिर की सूचना पर दोषियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। बताया, पत्नी ने ही अपने प्रेमी व उसके साथी संग मिलकर पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सर, आज किस तरह का खुलासा किया गया? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, ये थाना रामगढ़ में एक डेड बॉडी मिली थी 15 तारीख को, जिसकी शनाख्त नहीं हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये पता चला कि ये मृतक जो है, इसका नाम कपिल है और ये दिल्ली का रहने वाला है और यहाँ पर जुडिशरी कोर्ट में अपनी तारीख पर आया हुआ था। इस मैटर को जब प्रोब किया गया तो पता चला कि इसका और उसकी पत्नी का आपस में न्यायालय में वाद चल रहा था और 10 तारीख को ये अपनी तारीख पर आया था। उस दिन के बाद से ही ये लगातार गुमशुदा चल रहा था। परिवारीजन से जब वार्ता की गई और इस पूरे प्रकरण को जब देखा गया तो ये संज्ञान में आया कि इसकी पत्नी ने अपने पैरामोर के साथ मिलकर के, अपने लवर के साथ मिलकर के, जिसका नाम चंदन है और उसके साथी साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी है। अभी ये मुलजिम 3 गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें इसकी पत्नी चंदन और प्रमोद ये गिरफ्तार हैं, तथा लोहे की रॉड जिससे इसका सिर फाड़ा गया था और वो रस्सी जिससे हाथ बांधे गए तो उसके टुकड़े, ये पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। और अभी इस केस में और प्रगति की जा रही है, विवेचना की जा रही है। इसके अलावा जिन परिवारजन की संलिप्तता पाई जाती है उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।